हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अफजल और आप देख रहे हैं साहिवाल मीडिया से प्रोग्राम रिएक्शन पीडिया। रिएक्शन पीडिया प्रोग्राम में आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है जी द कपिल शर्मा शो पर आने वाले हैं RRR मूवी के करेक्टर, और द कपिल शर्मा शो में सेलिब्रेट करेंगे वो न्यू ईयर को। तो सबसे पहले उनमें आने वाले हैं जी रामचरण, और उसके बाद आलिया भट्ट, और फिर जो है वो साथ आ रहे हैं जी NTR। बहुत बड़ी कास्ट जो कि कपिल शर्मा शो में आने वाली है, और उसका एक प्रोमो रिलीज हुआ है जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको रिएक्शन पसंद आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूजर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी बड़ी मज़ेदार रिएक्शन वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चले जी वीडियो को प्ले करते हैं। प्लीज वेलकम आलिया भट्ट, मिस्टर NTR, मिस्टर रामचरण एंड मिस्टर SS राजामौली। दास दादा, जस्ट क्लिक ए पिक्चर एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, और नीचे लिखो कि रामचरण एंड NTR जस्ट रिवील दैट दे आर ग्रेट फैन ऑफ मी। NTR सर, आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो NTR बोल के काम चल जाता है कि RT-PCR भी दिखाना पड़ता है? रामचरण सर के बारे में बताऊं, क्योंकि एरोप्लेन की कंपनी भी है, होटल की फ्रेंचाइज है, हॉस्पिटल भी है। सर आपको नहीं लगता इतना पैसा है यार, फिर भी मैं इतने भाग भाग के काम क्यों करता हूं? कभी रिलैक्स होने का मन नहीं करता? सर एयरलाइन कंपनी ओन करने से हम इधर नहीं आ सकते ना। सर ये RRR टाइटल कैसे आया दिमाग में? कोई टाइटल और सूझ नहीं रहा था, या आपको लगा रुपया 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 बहुत कमाने वाले? मैं बहुत ट्राई किया था सर। आपको तो एक्चुअली टाइटल सोचने की जरूरत नहीं, आप खाली इतना लिख दिया करो मेरी अगली फिल्म। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं, दे नहीं रही हूँ, मेरे को ओरिजिनल बना के दो ना। मैं तो बहुत फैन हूँ आलिया की, मेरे को वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी आपकी, कपूर एंड सन्स। मेरे को पूछने का था उसका सीक्वल कब आ रहा है? कौन सा सीक्वल? कपूर एंड बहूज। कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, फोटो खिंचाने के लिए बोनट पे ही बैठना पड़ता है। ये मुंह पे डोसा क्यों लगा? सर आपको आईडी कार्ड क्यों पहनाया? आपके नाम से सेट पर कोई और खाना खा रहा था क्या? खाना तो ठीक है, आपके नाम से कोई हीरोइन से रोमांस तो नहीं कर रहा है? आप लोग इतना फिट है, एक बार एक आदमी मेरे को भी बोले कि पतले हो जाओ, पतले हो जाओ। मैं फिर पतला लोग को देखे कोई फायदा नहीं है। एक बार एक पतला आदमी मेरे ऊपर बैठा 15 मिनट के लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं 1 मिनट के लिए उस पे बैठा। आप क्या करने आए यहाँ पे? मैं इनका फिल्म का प्रमोशन करने आया ब्रो। तो फिल्म की प्रमोशन तो हो रहा है ना यहाँ पे? आप भी कर रहे हैं? आप थोड़ा उस तरफ जाके करो ना। जी तो व्यूअर, बड़ा ज़बरदस्त धमाका होने वाला है कपिल शर्मा शो में। बड़ी ज़बरदस्त कास्ट और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग। कीकू की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई होप कि आपको भी कीकू की एक्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। काफ़ी मज़ेदार जो है वो दमदार जो है वो एक्टिंग करते हैं, बड़े मज़ेदार हंसाते हैं, और कंप्लीट वीडियो आएगी तो मज़ीद देखेंगे क्या होता है ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।